हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झासर एकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे? आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं, आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की, और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं, उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहां से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है, जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी, और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झासर एकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट? और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झासर एकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा। जो जिन पेड कोर्सेज को झासर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं, जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झासर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है, और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट? तो आप इन कोर्सेज को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है, और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झासर एकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, और हमारा एक ऐप भी है झासर एकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा, और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइस ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा और डाउनलोड कीजिएगा, और वेबसाइट भी अवेलेबल है, उस वेबसाइट पर भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट? सो गाइज, झासर एकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, अभिनंदन है आप सभी का आज के इस सेशन में, और आज का सेशन भी खास होने वाला है। आई एम वेरी गुड, नमस्कार आप सभी को, गुड मॉर्निंग अभिनंदन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। चलिए तो शुरू करते हैं आज की कहानी को। कल हमने देख लिया था कि हमें पूर्ण स्वराज की ओर जाना है, वी नीड टू मूव टूवर्ड द कम्प्लीट स्वराज, हमें कम्प्लीट स्वराज की ओर आगे बढ़ना है। ये कम्प्लीट स्वराज क्या है मैंने आपको कल बताया था, अब हमें जो है सोवरन स्टेट की ओर बढ़ना है, संप्रभुता की ओर बढ़ना है, और संप्रभुता के लिए जो है कांग्रेस के यंग लीडर जो है उसके पीछे लगे हुए हैं। और इसी चीज में हमने देखा था कि देयर वॉज अ डिस्प्यूट, एक विवाद हो जाता है। मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ, विवाद ये होता है कि कांग्रेस के यंग लीडर ये कहते हैं कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए, अब ये छोटा मोटा स्वराज हमें नहीं चाहिए, ना राज्य ना स्व, हमें पूर्ण वाला स्वराज चाहिए, और पूर्ण स्वराज जो है वो उसकी मांग करनी चाहिए, ये आपका डोमिनियन स्टेट वगैरह हमें नहीं चलेगा। ओके, ठीक है, गांधी जी बीच में आते हैं एंड ही वॉज गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं,
और ये बोला जाता है कि 31 दिसंबर 1929 तक का हम समय दे देते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट को, और ब्रिटिश गवर्नमेंट्स यदि इस चीज को मान लेती है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं मानी तो क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू लॉन्च द CDM। हम ना केवल जो है डोमिनियन स्टेट की मांग या नेहरू रिपोर्ट को हम जो है खारिज कर देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, नेहरू रिपोर्ट में क्या बात की गई है, नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट की मांग की गई है, और अब जो हम बात करने वाले हैं CDM, उसमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करेंगे। और अब हम एक मूवमेंट लॉन्च करने वाले हैं जिसे हम CDM के नाम से जाने देखेंगे, और ये एक नॉन वायलेंस मूवमेंट होगा। करेक्ट है, ये गांधी जी को इसकी लीडरशिप दे दी जाती है, इस तरीके से हम समझने वाले हैं। अब इसको और बेहतर तरीके से समझ लेते हैं। जैसा मैंने आपको पीछे बताया था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और 1920 में ये शुरू हुआ था। 1 अगस्त हमने देखा था, डू यू रिमेंबर, ठीक है, 1 अगस्त 1920, और ये 1922 तक चलता है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि इस NC मूवमेंट के पहले फेज के अंतर्गत हमने बायकॉट किया था। ये बायकॉट क्या है, बायकॉट हमने देखा था, जैसे हमें एक देखने को मिलता है कि कोई भी गुड्स की बात की जाती है, जैसे बार बार चर्चा आती रहती है कि हमें चाइनीज गुड्स का बायकॉट करना चाहिए, बहिष्कार कर देना चाहिए, हमें वो चीज यूज नहीं करनी चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया, या यू कैन दैट मींस बेटर अंडरस्टैंड बाय दिस पिक्चर एज वेल। ठीक है, आप इस पिक्चर के माध्यम से भी आपको समझ सकते हैं कि हमें उन चीजों का बहिष्कार का मतलब है, हमें उन चीजों का उपयोग ही नहीं करना है। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए कि बहिष्कार बार बार बीच बीच में आता रहता है, और कुछ लोग जो है वो इस तरीके से भी इसका विरोध भी करते हैं, बोला कि चाइना को हम देखते हैं कि रिवेंज लेते हैं उससे और चाइनीज फ्राइड राइस के साथ सांभर खाते हैं, तो ये चाइना जो है, चाइना को इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। तो बायकॉट means that means the foreign goods का हमें boycott करना है। ठीक है, अब इसी दौरान जब हमने 1920 में देखा था कि गांधी जी जो है बारदोली में 1922 के आसपास जो है एक नया फेज लॉन्च करने वाले थे, सेकेंड फेज, एंड सेकेंड फेज ऑफ NC कोऑपरेशन क्या था, वो ये था कि अब हम गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देंगे, वी विल नॉट पे एनी काइंड ऑफ द टैक्स टू द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को हम जो है विनय पूर्वक मना कर देंगे कि सर हम आपको टैक्स नहीं देंगे। तो बायकॉट इज डिफरेंट थिंग्स, बहिष्कार एक अलग चीज है, और ये जो है CDM दैट मींस के वो एक अलग चीज है। इसको कैसे समझते हैं, इसको ऐसे समझते हैं, ठीक है, ये आपने देखा होगा कि काफी मीम बड़ा फेमस चला है, ठीक है, मैंने उसी का उपयोग किया है समझाने के लिए। जब आपको कोई दैट मींस पानी पिलाता है, जल लीजिए, है ना, और आपकी इच्छा नहीं है कि जल पीने की, आपकी इच्छा कुछ और पीने की, तो आप क्या करेंगे, आप क्या गुस्से के साथ उसको, नहीं, दैट मींस, ठीक है, आप जो है उसे विनय पूर्वक मना कर देंगे। आप दूसरी पिक्चर से भी समझ सकते हैं, वुड यू लाइक ए कप ऑफ टी, ठीक है, एक व्यक्ति जो है वो आपके लिए कॉफी की दैट मींस या चाय की बात कर रहा है, और सामने वाला उसको विनय या विनम्रता के साथ मना कर देता है, ये है आपका CDM मूवमेंट का कंसेप्ट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो जल लीजिए, ठीक है, ध्यान, और लेकिन हमें जल नहीं पीना, तो ये वही चीज है, दैट मींस कितना आप देख रहे हैं कि विनय के साथ ये कंसेप्ट आपको देखने को मिलता है, और इसीलिए ये मीम भी ज्यादा फेमस हो गया। ठीक है, आप देख रहे हैं कि एक घटना आपको पता चला होगा, ठीक है, तो वहां से आप कनेक्ट करके समझ सकते हैं। तो यही है गांधी, तो गांधी की विचारधारा है, गांधी का जो कंसेप्ट है वो आपको आज भी जल लीजिए या ऐसे पिक्चर्स में देखने को मिल जाता है। मेरी बात समझ में आ चुकी होगी आप लोगों को, ठीक है, तो ये सेकेंड फेज लॉन्च नहीं हो पाता, लॉन्च ना होने का कारण हमने देखा था, 1922 में आपका जो चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ था, जिसकी वजह से ये सेकंड वाला आपका फेज नहीं होता। अब हम जो बात करेंगे वो यही बात करेंगे, हाँ जी बिल्कुल, जल ही पीना है सर, ठीक है, तो सुबह सुबह तो जल ही पीना चाहिए, ठीक है, और ये जल पीने के लिए अब हम जो है अगले मूवमेंट की ओर बढ़ रहे हैं, और अगला मूवमेंट हमारा कहाँ होगा, CDM होगा, जिसकी बैकग्राउंड या जिसकी व्यवस्था हमें देखने को मिलेगी लाहौर के सेशन में। लाहौर नदी, लाहौर शहर पाकिस्तान का रावी नदी के किनारे बसा हुआ शहर, और वहीं पर हम जाएंगे और वहीं पर हम इस चीज की चर्चा करेंगे। जवाहरलाल नेहरू इस सेशन की अध्यक्षता करते हैं, और जवाहरलाल नेहरू इस सेशन की अध्यक्षता करते हैं, और अब हमने देख लिया है कि ये एक साल का समय ऑलमोस्ट चला गया है, ठीक है, और हमने देखा था कि 1928 में हमने शपथ ली थी कि एक साल का समय दे दो भाई, ठीक है, 1 year, ठीक है, और इस एक साल के समय में हम आपको सही कर देंगे। जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे कि भाई मुझे कुछ महीने दे दीजिए, सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपया जाएंगे, और नहीं हुआ तो
ठीक है, जूता मारना ऐसा सब कहा था, ठीक है, लेकिन मतलब जूता मारने वाली बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी बातें तो कहीं थी, ठीक है, पेट्रोल ऐसा होगा वैसे ही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा होने वाला है, द पीपल आर वेरी एग्रेसिव, ठीक है, एंड द 1 ईयर जो है वो कहीं ना कहीं जो है निकल चुका है, और कॉन्स्टिट्यूशन से जो अब बात हो रही है, दैट मीन्स हम डोमिनियन स्टेट की मांग ना करके हम पूर्ण स्वराज की ओर बात करेंगे, और ये वही बात हुई, कांग्रेस ना केवल कंप्लीट इंडिपेंडेंस को लक्ष्य को अपनाएगी, बल्कि हम देखेंगे एक सीडीएम मूवमेंट भी चालू करने वाली है, और सीडीएम मूवमेंट जो है उसकी फाउंडेशन जो है यही लाहौर अधिवेशन में रख दी जाए। और क्या होता है लाहौर अधिवेशन, व्हाई इट्स वेरी फेमस, एट द मिडनाइट ऑफ द दिसंबर 31, 1929 ये डेडलाइन होती है। ये डेडलाइन किस चीज की होती है, डेडलाइन मध्य रात्रि की होती है, जिस दिन क्या होता है कि आपके द्वारा दी गई मियाद, जो आपके द्वारा दिया गया समय है वो खत्म हो जाता है, और यहां पर जो है नेहरू रिपोर्ट की सीमा समाप्त हो जाती है। देखिए, डू यू रिमेंबर नेहरू रिपोर्ट, मतलब वो क्या, डोमिनियन स्टेट, ध्यान देना, डोमिनियन स्टेट का वाला कंसेप्ट अब हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और हम यहां देखेंगे 31 दिसंबर 1929 और 1 जनवरी 1930 के बीच में ये वाली बात जो है देखने को मिलेगी, और इस समय एक नया फ्लैग जो है ट्राई कलर फ्लैग जो है उसको अनवील किया जाता है, हम ऐसे कह सकते हैं, और जवाहरलाल नेहरू जो है रावी नदी के तौर किनारे जो है भारत की स्वतंत्रता की का जो ध्वज है उसको फहराते हैं, ठीक है, और एक नया जो फ्लैग है उसको अनवील किया जाता है, हम ऐसे कहेंगे, और ये डिक्लेयर किया जाता है कि 26 जनवरी 1930 से, ध्यान देना 1 जनवरी और 31 जनवरी की, दैट मीन्स वो जब नया साल मनाया जाता है, वैसे आप कह सकते हैं उस दिन, है ना, पूरा दुनिया तो जो सेलिब्रेशन कर रहा है उस दिन क्या कर रहा है, इंडियन नेशनल कांग्रेस एक नया नेशनल फ्लैग जो है वो बाहर लेकर आ रही है, और ये कहती है कि अब हम 26 जनवरी को अपना नया साल मनाएंगे, मतलब हमारा इंडिपेंडेंस डे। ये क्या बात हो गई भैया, ठीक है, अभी तो क्या हुआ, ये तो वैसे ही हुआ जैसे हम देखेंगे कि शादी की तारीख तय कर दी गई है, ठीक है, लेकिन दुल्हन का पता नहीं है, ठीक है, शादी की तारीख तय कर दी गई है, दुल्हन का पता नहीं है, क्यों, क्योंकि भाई आप देखिए आजादी मिलेगी या नहीं मिलेगी 26 जनवरी को, दे आर गोइंग टू डिक्लेयर ऑन द डे ऑन द ईव ऑफ दिस दैट मीन्स रावी सेशन लाहौर में, आप देखेंगे कि आपने डिक्लेयर ही कर दिया कि 26 जनवरी 1930 को भैया हम जो है शादी घोषित कर देते हैं, और 26 दिसंबर 1930 से हम स्वतंत्रता दिवस मनाने लगेंगे, ये हर साल मनाया जाएगा, वी विल सेलिब्रेट दिस डे एज ए फ्रीडम। लेकिन आपको आजादी मिली नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, हम इसको मैनेज करेंगे, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, और इस तरीके से ये लाहौर सेशन जो है बहुत ही एग्रेसिव आप देख रहे हैं, और देख रहे हैं रावी नदी, ठीक है, झंडा आ रहा है, फ्लैग आ रहा है, नेहरू रिपोर्ट को खारिज कर दिया जा रहा है, ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे न्यू दैट मीन्स इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, नया फ्लैग आ रहा है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, और नेहरू हैंडेड ओवर चार्ज ऑफ द कांग्रेस प्रेसिडेंटशिप टू जवाहरलाल, सन फॉलोड फादर and declared himself a socialist and a republican. At the stroke of missing him, that the time was ripe for action. He published an 11-point manifesto. अब आपको एक चीज समझ में आ चुकी है कि इस लाहौर के सेशन में हमने देखा है कि गांधी जी को गांधी जी को कमांड दे दी जाती है, मोहनदास करमचंद गांधी विल बी दैट मींस योर लीडर, और ये आपके लीडर होंगे, और ये लीडर अब आप क्या करने वाला है, ही इज गोइंग टू पुट द डिमांड। अभी मैंने आपको लास्ट अभी एक वीडियो बताया, और इस वीडियो में हम देखते हैं कि गांधी जी क्या करते हैं, अपनी डिमांड रख रहे हैं, ठीक है, और गांधी जी बोलते हैं कि आपने ये मेरी डिमांड पूरी कर ली तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अदरवाइज आई एम गोइंग टू लॉन्च द सीडीएम मूवमेंट। जैसा आपको पता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है, कोई मांग पूरी नहीं होने वाली है, 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में बिल्कुल नहीं आने वाले हैं, वैसे ही यहां पर आप देखेंगे कि सीडीएम जो मूवमेंट है वो आपका लॉन्च होगा, ठीक है, मेरी बात समझ में आई कि नहीं है, ठीक है, तो एक वीडियो मैंने रखा हुआ है जस्ट फॉर दैट मीन्स थोड़ा सा सेशन को अच्छा और बनाने के लिए मैंने रखा हुआ है, ठीक है, तो सीडीएम मूवमेंट्स हम देखेंगे, फरवरी 1930 का समय है, दैट मींस हमने 26 जनवरी को सेलिब्रेशन कर लिया है, अब हम फरवरी 1930 को पहुंचते हैं, सीडब्ल्यूसी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग होती है, और ये साबरमती आश्रम में होती है, और यहाँ पर ये डिसीजन लिया जाता है कि गांधी जी आप ही जो है बहुत अच्छा काम करते हैं, व्हाई नॉट यू आर गोइंग टू लीड दिस सीडीएम मूवमेंट, आप इस सीडीएम मूवमेंट्स को आप अपने ऊपर ले लीजिए, अपनी बागडोर को संभाल लीजिए। गांधी जी क्या करते हैं डिमांड, ठीक है, जो हमने अभी गांधी जी के न्यूज़पेपर यंग इंडिया में, वहां पर ये अपनी डिमांड रखते हैं, ये मैंने अभी आपको जस्ट जो वीडियो के लास्ट सेशन में आपको देखने को मिलता है, एंड गांधी जी जो है
लॉर्ड इरविन, इस समय लॉर्ड इरविन होते हैं, और ये इरविन वही हैं जो हम देखेंगे जो हमारा नया पार्लियामेंट बना हुआ है उसमें रहने वाले पहले आपके वायसराय होते हैं। ये मैंने आपको पीछे बताया था 1911 वाले कनेक्शंस में, आप थोड़ा सा जोड़ने की कोशिश करिए, ठीक है। एंड गांधी जी इज डिमांडिंग दैट मीन्स टू द इरविन्स, और ये उनको रिटर्न में ये कुछ डिमांड पूरी करने की बात करते हैं। अब गांधी जी क्या करते हैं, ये डिमांड पूरी करते हैं, अब होगा क्या, ठीक है। गांधी जी जो है उनको थोड़ा बहुत समय देते हैं, और गांधी जी इन डिमांड्स में कुछ खास खास चीजें रखते हैं। जैसे हम देखेंगे द कंप्लीट जो आपका शराबबंदी है, दैट मीन्स लिकर जो है उसको बैन कर दिया जाए, ठीक है। पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहाई दी जाए, मतलब जो हमारे राजनीतिक जो लोग हैं उनको आप छोड़ दें, ठीक है। एक्सपेंडिचर्स कम किए जाएं, जो आप एक्सपेंस कर रहे हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं जो है वो सही नहीं है। वेलफेयर के लिए आप उपयोग करिए, आर्म्स एक्ट में बदलाव करिए, हमारे भारतीय लोगों को भी आप वेपन्स रखने की इजाजत दीजिए, पुलिस व्यवस्था में रिफॉर्म्स करिए, ठीक है। हमारी पुलिसिया राज जो है वो कहीं ना कहीं सही नहीं है, और ये इकोनॉमिक से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। स्टार्लिंग की दर को कम करना, मतलब जो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक कंडीशंस को बेटर करने की बात की जाती है। रिडक्शन ऑफ द इन द 50% इन द लैंड रेवेन्यू, टैक्स कमी करी, मोटे तौर पर ये वही कॉमन जो थिंग्स हैं जो जो व्यक्ति डिमांड करना चाहता है, डिमांड यहाँ पर करना चाहता है, उन चीजों की ये डिमांड की जा रही है और इन चीजों को यहाँ पर देखा जा रहा है। नमक देखिए, ध्यान दीजिए, नमक का ये वही व्यक्ति है, ठीक है। दैट मीन्स, ठीक है, ये वही व्यक्ति का मतलब है वही चीज है जो एक कॉमन मैन यूज करता है, एंड द कॉमन मैन दैट मीन्स नमक, वो आपका अमीर आदमी भी खाता है, गरीब आदमी भी खाता है, और इस कॉमन चीज को वो उठाने की कोशिश करते हैं और उस व्यवस्था को हटाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये सॉल्ट जो है सरकार उस पर क्या है, टैक्स लिया करती है, और टैक्स लेती है तो क्या होता है, कॉमन मैन को देना पड़ता है। अब गांधी जी ने यही मुद्दा उठा लिया, बोला कि यार ये वाली चीज तो गलत होनी, दैट मीन्स गलत है, क्योंकि इसमें अमीर और गरीब, दैट मीन्स अंबानी भी खाता है, अरविंद केजरीवाल भी खाता है, इस सॉल्ट पर जो है टैक्स नहीं लगना चाहिए, है ना। जैसे आप देखेंगे, आप मोटे तौर पर देखिए, ये वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा है और वैक्सीनेशन पे आप जीएसटी वसूला जा रहा है, ये वैसे ही है। वास्तव में तो एक सीडीएम मूवमेंट यहाँ भी बनता है, हमें वैक्सीनेशन के खिलाफ जो है जाना चाहिए, और जो टैक्स है जो 5% आई थिंक लग रहा है वो भी खत्म होना चाहिए, करेक्ट करेक्ट है। अब ये वैक्सीनेशन, ये व्यवस्था, ये किसने लेकर आया, ये व्यवस्था, ये वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल तो रहा है लेकिन ये व्यवस्था गड़बड़ है कि नहीं, तो इस चीजों का एक अधिकार का उन्मूलन करना चाहिए, सरकारी व्यवस्था के खिलाफ ये हमें देखने को मिलेगा। और गांधी जी अपनी डिमांड्स को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब गांधी जी को डिमांड्स के लिए उन्होंने कुछ समय दिया, ठीक है, और यहां पर हम देखते हैं कि गांधी जी कहते हैं गांधी जी को कोई कोई संतुष्ट पूर्वक ये आंसर नहीं मिला, और उन्होंने यही बोला कि बोला मैंने तो दैट मीन्स, ठीक है, रोटी मांगी थी लेकिन मुझे दे दिया गया पत्थर, ठीक है, मैंने तो 15 लाख रुपए मांगे थे लेकिन मुझे दे दिए गए विकास के नाम पर 105 रुपए से ज्यादा लीटर, ठीक है, दैट मींस, ठीक है, सेंचुरी दे दी गई है। तो मोटे तौर पर अब हम इस तरीके से देख सकते हैं कि इंतजार की घड़ियां जो है वो आपको समाप्त होती हैं, और गांधी जी जो है वो सीडीएम मूवमेंट जो है लॉन्च करने की कोशिश करते हैं, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। लेट्स स्टार्ट द सीडीएम, और अब हम सीडीएम मूवमेंट्स की ओर बढ़ रहे हैं, करेक्ट है। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, अब हम उसकी ओर शुरू कर रहे हैं, ठीक है, और सीडीएम मूवमेंट्स की जो शुरुआत होती है 12 मार्च 1930, गांधी जी जो है साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को इस कैंपेन की शुरुआत करते हैं, और वो नमक कानून बनाकर जो है, सॉरी, नमक बनाकर इस व्यवस्था की शुरुआत करते हैं, और यहीं से सीडीएम की शुरुआत की जाती है, जिसे हम दांडी मार्च के नाम से जानते हैं, दिस इज द, और ये दांडी मार्च की शुरुआत होती है 12 मार्च 1930, 1930, और यहां पर आप देखेंगे कि 5 अप्रैल को गांधी जी पहुंच जाते हैं, 6 अप्रैल को गांधी जी जो है वो दांडी नामक स्थान पर पहुंचते हैं और वहां पर सॉल्ट बनाते हैं, और जब सॉल्ट बनाते हैं और सॉल्ट बनाने के बाद आप देखेंगे कि वहां पर उस मतलब उसको बनाकर उस कानून को तोड़ते हैं, और इस तरीके से दिस इज द बिगिनिंग ऑफ सीडीएम, ठीक है, और ये है सविनय अवज्ञा की शुरुआत, करेक्ट है। गांधी जी ने, अब शुरुआत क्या होती है, गांधी जी अब देखो 79 अपने फॉलोअर्स के साथ शुरू करते हैं, और ये 5 अप्रैल को दांडी, मतलब 5 नहीं एक्चुअली 6 है, ठीक है, 5 को पहुंचते हैं, ठीक है, 6 को वो कहीं ना कहीं मोटे तौर पर यहां पर, अब देखो कहानी ये समझने की कोशिश करिएगा, मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है, एक तो उन्होंने क्या एक लोकल इशू उठाया, ठीक है, लोकल इशू जो है जो नेशनल लेवल का उन्होंने बनाने की कोशिश की, कैसे, सॉल्ट, सॉल्ट जो है अमीर गरीब ऊपर नीचे दाएं बाएं सब व्यक्ति खाते हैं, ठीक है, एंड दिस इज वेरी वेरी इसेंशियल फॉर द दैट मीन्स ह्यूमन बींग, बहुत ही ज्यादा नमक के बिना तो स्वाद ही नहीं, सीधी सी बात है, ठीक है, जीवन में भी नहीं है, ठीक है, दैट मीन्स, और भोजन की तो बात ही छोड़ दीजिए, तो नेशनल लेवल पर उसको लेकर गए। दूसरा इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या बोला, मैं पैदल जाऊंगा,
अब गांधी तो जा सकते थे भाई, ट्रेन से चले जाए, हवाई जहाज मंगा लिया जाता उनके लिए, एरोप्लेन मंगा लिया जाता, लेकिन गांधी बोलते नहीं मैं पैदल जाऊंगा। एंड वो देखिए सिंपल सी चीज को, यहां से यहां तक जाना चाहते थे कि, बट वो क्या करते हैं, वो ऐसे ऐसे जाते हैं, इधर जाते हैं, इधर के लोगों को इकट्ठा करो, इधर के लोग सॉरी, वो यहां से यहां तक जाना चाहते हैं ए से बी, ठीक है। वो क्या करना चाहते हैं, वो सीधे सीधे नहीं जाएंगे, ही विल नॉट फॉलो दैट मीन द राइट द वे, ठीक है। और वो क्या करेंगे, पहले इधर जाएंगे, यहाँ के लोगों को इकट्ठा करेंगे, फिर इधर जाएंगे, फिर इधर जाएंगे, फिर इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, और ऐसे लोगों को इकट्ठा करते हुए अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। इनका उद्देश्य क्या है, इनका उद्देश्य ये है द मास मूवमेंट को अपने सपोर्ट में लेकर आना। बोला यार देखो मैं पैदल चल रहा हूं, तुम भी मेरे साथ आओ, ठीक है, मैंने आपका लोकल इश्यू उठाया। देखो नमक हर कोई खाता है, आप नमक का नमक टैक्स कैसे देंगे भाई, ठीक है। अब हम टैक्स को जो है वो नहीं देंगे, दैट मीन जल लीजिए, वही बात है, अब हमको जल नहीं पीना, ठीक है, अब हमको टैक्स नहीं देना, अब हम खुद बना लेंगे नमक, ठीक है, अब हम टैक्स नहीं देंगे। तो दैट इज वेरी, दैट मीन्स वेरी नॉन वायलेंस मूवमेंट इज गोइंग टू ऑब्जर्व। दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, साबरमती आश्रम आपको यहाँ देखने को मिलेगा, एंड दिस इज द एंड पॉइंट, यू विल फाइंड आउट इन द, दैट इज द डांडी, ये आपका गुजरात में ये कैंपिंग की चलाई जाती है, ये उनका रूट है। तो आप देखिए इधर से उधर से उधर से होते हुए इन्होंने इस तरीके से कैंपिंग चलाई। अब जो 79 के आसपास लोग शुरू होते हैं वो यहाँ पर आते आते तक देखिए कितने लाखों करोड़ों लोग जो है इकट्ठा हो जाते हैं। अब करोड़ तो नहीं है, ठीक है, मैं अमाउंट्स जो संख्या है उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन मोटे तौर पर आप समझने की कोशिश करें, दैट मींस वेरी वेरी, दैट मींस लेस नंबर्स, ठीक है, ये 100 के आसपास लोग हैं, और यहां पर कई लोग जो है उनके साथ जुड़ जाते हैं, और ये उस जमाने में अपने आप में काबिले तारीफ काम था, समझ में आया, ठीक है। आज की डेट में यदि हम बात करें, ठीक है, देखो तो जो जो कंसेप्ट हमने देखा था, जो कंसेप्ट आपका स्वदेशी मूवमेंट से चला आ रहा था, जो कंसेप्ट हमने बाल गंगाधर तिलक के समय पर देखा था, द पीपल आर दैट मीन्स, ठीक है, एडुकेटेड रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन, वो धीरे 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 मास मूवमेंट में कन्वर्ट हो रहा है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो एक्सट्रीमिस्ट, जो सॉरी मॉडरेट्स करके चले गए, जो बाल गंगाधर तिलक करके चले गए, जो लाला लाजपत राय करके चले गए, उस चीज को एग्जीक्यूशन का टाइम जो है वो गांधी ही कर रहे हैं, और गांधी इस तरीके से लोगों को जोड़ेंगे। और देखिए ये एक पिक्चर है, मैंने गांधी मूवी से लिया हुआ है, द पीपल आर दैट मीन्स फॉलोइंग द गांधी, एंड दिस इज द पर्सन हु वॉज फॉलोइंग लीडर, ये सबसे आगे जो आपका जो व्यक्ति दिख रहा है, ठीक है, जो आपका दुबला पतला आदमी, ठीक है, उन्होंने मतलब घुटनों तक आपकी धोती पहन रखी और ये लाठी लेकर सबसे आगे सबसे तेज भाग रहा है। आप मूवी देखिए तो आपको दैट नहीं लगेगा कि भाई कि रियल में गांधी इस तरीके से था। तो दिस इज द सिनारियो, ठीक है, उनके पीछे पीछे ये आपकी जो सुचेता कृपलानी जो है वो उनको फॉलो कर रही है, ठीक है, और ये मिल जाती है, यहां से इनका कैंपेन आ रहा है, लोग यहां से जुड़ते आ रहे हैं, ठीक है, एंड दे आर फॉलोइंग दैट, दिस इस तरीके से आप देखेंगे, इस पिक्चर में ये मीडिया भी इनको कवर कर रही है, तो मीडिया कवरेज भी आपको देखने को मिलेगा। दैट मींस ये ब्रिटिश एम्पायर के ये एक यूएस के पत्रकार होते हैं, अभी हम इनको देखेंगे, नाम मैं भूल रहा हूँ, सॉरी, वो पत्रकार जो है, जो रिपोर्टर हैं, वो इस कैंपेन को रिपोर्ट करेंगे और इस रिपोर्ट को पूरा का पूरा आगे मतलब दुनिया के सामने लाने की कोशिश करेंगे। अभी हम दर्शाना सॉल्ट मिल पर चलेंगे, वहां पर इनका नाम आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मोटे तौर पर आप देख रहे हैं, द गांधी इज फॉलोइंग दिस काइंड ऑफ द रूट्स एंड द पीपल आर ऑल्सो फॉलोइंग जस्ट बिहाइंड ऑफ द गांधी, और इस तरीके से ये कैंपेन चलेगी, और ये कहां जा रहे हैं, दांडी की ओर जा रहे हैं। तो दांडी का उद्देश्य क्या है, एक तो सरकार को यह बताना कि हमने देखो सॉल्ट वाला मुद्दा उठाया, सॉल्ट्स की वजह से क्या है, ठीक है, हमारे पास मास मूवमेंट या जनता जो है वो हमारे साथ शामिल होगी, ठीक है, और हम आप क्या कर रहे हैं, हम जो है वो टैक्स नहीं देने वाले हैं, और टैक्स नहीं देने वाले मतलब हमारा सीडीएम जल लीजिए, ना विनय के पूर्वक मना कर देंगे, जल नहीं पीना, ठीक है, कुछ और पीना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखेंगे, दिस इज द ओरिजिनल पिक्चर्स, ठीक है, और ये गांधी और गांधी के साथ हैं ये सुचेता कृपलानी, ठीक है, इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये मूवमेंट आपका देखने को मिलेगा। अब गांधी जी जो है 6 अप्रैल 1930 को एक मुट्ठी नमक उठाकर जो है इस कानून को तोड़ देते हैं, एंड दिस इज द बिगनिंग, ये शुरुआत हो जाती है ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ, ठीक है, इस तरीके के प्रोग्राम वही होंगे जो ऑलमोस्ट हमने देखे हैं, प्रोग्राम क्या होने वाले हैं, नमक कानून को तोड़ा जाएगा, ठीक है, और ब्रिटिश कानून का उल्लंघन किया जाएगा, इस तरीके से हम देख रहे हैं, ठीक है, सरकारी अदालतों का बायकॉट किया जाएगा, ये सब प्रोग्राम वही होंगे, विदेशी वस्तुओं का हम बायकॉट करने वाले हैं वही, और इसके बाद हम देखेंगे कर नहीं देंगे, शराब जो है कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वहां पर दुकानों पर धरना दिया जाएगा क्योंकि सरकार वहां से टैक्स वसूला करती है। तो मोटे तौर पर इन तरीके के प्रोग्राम जो है वो वही चलाए जाएंगे और इस तरीके से ये प्रोग्राम आपका तेजी से चलेगा। क्या ये कैंपेन जो है और जगह फैलता है, बिल्कुल हाँ, ठीक है। तो आगे जाकर हम देखते हैं कि कैंपेन जो है दैट वॉज लीड बाय द राजगोपालचारी, ठीक है,
और ये राजगोपालचारी जो हैं वो भी इसकी अलग अलग जगह पर। अब ये ऐसी ही यात्राएं जो हमने देखा, दांडी मार्च, दांडी मार्च इज वेरी फेमस, ठीक है। दांडी मार्च जैसा ही कैंपेन जो है अलग अलग जगह पर अलग अलग लीडर इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो राजगोपालचारी तमिलनाडु वाले सेक्शन में, ठीक है, आपका ये कोरोमंडल एरिया आप कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मालाबार में आप देखेंगे कि कलापान, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे उड़ीसा में भी इस तरीके की देखने को मिलेगा, गोपी चंद्रनाथ चौधरी। ऑल दीज लीडर आर दैट मींस लीडिंग दिस काइंड ऑफ द सॉल्ट मूवमेंट, ठीक है, और दे आर पार्टिसिपेटिंग इन द दिस काइंड ऑफ द सीडीएम, ठीक है। और इस तरीके से आप देखेंगे कि मूवमेंट धीरे 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 और बाकी जगह पर। नॉर्थ वेस्ट में यदि जाएंगे तो हमें यहाँ वहां देखेंगे खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, ही विल कंसिडर, ठीक है, इन्हें कहा जाता है सीमांत गांधी, ठीक है। तो ये भी क्या करेंगे अपने तरीके से। अब देखो वही चीज़ है, लोकल मुद्दे इसको मुद्दों को उठाएंगे और लोकल मुद्दों को नेशनल उस पर जोड़ देंगे और नेशनल मुद्दों को जोड़कर ये फ्रंट के सामने आएंगे। दैट मीन्स, ठीक है, ये सीडीएम में पार्टिसिपेशन करेंगे और यहाँ पर ये क्या करेंगे, अपनी एक नया सिस्टम चलाते हैं और इसे कहा जाएगा खुदाई खिदमतगार। और यहाँ पर ये क्या करते हैं, जिसे लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है, इस तरीके की एक सोसाइटी बनाएंगे और जिसके द्वारा ये सीडीएम मूवमेंट को अपना चलाते हैं। तो नेशनल लेवल पर गांधी चल रहे हैं लेकिन लोकल लेवल पर भी कुछ अलग अलग लोग जो हैं उसमें पार्टिसिपेशन कर रहे हैं अपने अपने तरीके से, और इन्हें हम जानते हैं फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को, ठीक है। और मुझे जैसा याद आ रहा है, ही वॉज द फर्स्ट फॉरेनर हु वॉज होल्डिंग, हु वॉज सिक्योरिंग द दैट इज द भारत रत्न, ठीक है, भारत रत्न का जो पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है, उसमें शायद सबसे पहले विदेशी व्यक्ति हैं जिनको ये पुरस्कार दिया गया। ही दैट इज द पर्सन के कलापन, ठीक है, और ये हैं आपके खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, और ये सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। तो ये सीमांत गांधी दैट मींस नॉर्थ वेस्ट वाले अफगानिस्तान वाले सेक्शन में इनका कार्य क्षेत्र होता है, ठीक है। तो इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में चलेंगे, ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट में हमें देखने को मिलेंगी रानी गांधी नेल्यू, ठीक है। ये क्या है, ये एक नागा कम्युनिटीज की रिप्रेजेंटेटिव होती हैं और ये नागा कम्युनिटीज को यूनाइटेड करती हैं और लोगों को प्रेरित करती हैं कि सीडीएम में हमें जो है गांधी जी का सहयोग करना चाहिए। तो ये मणिपुर की निवासी होती हैं और ये अपने जो फॉलोअर्स हैं उनके साथ क्या करते हैं, ये रानी नहीं होती, ये कॉमन मैन होती हैं, सीधी सी बात है, दैट मीन्स कॉमन वुमेन कह सकते हैं, ठीक है, और एक सामान्य नागरिक की तरह होती हैं, लेकिन इन्हें रानी का टाइटल जो है बाद में दिया जाता है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बिकॉज ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस मूवमेंट। ये 13 साल की होती हैं, शी वॉज वेरी वेरी यंग, ठीक है, और 13 साल में ही, 13-14 साल में ही इनको ब्रिटिश गवर्नमेंट पकड़ लेती है और ब्रिटिश गवर्नमेंट पकड़कर फिर इन पर मुकदमा वगैरह चलाने की कोशिश करती है। और इंडियन गवर्नमेंट भी इनकी जो जन्मशती है, दैट इज देखिए 2015, ये 2015 में जो है ये इनका एक क्वाइन जारी करती है। तो ये करंट अफेयर्स में भी था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो जब करंट अफेयर्स में था 2015 के आसपास, ठीक है, तो इनका कंट्रीब्यूशन कम नहीं है और इसी वजह से इनका जो है सोने का, सॉरी 100 रुपए का सिक्का जो है वो जारी किया जा रहा है, 100 रुपए के आसपास का ये जारी किया जाता है आरबीआई के द्वारा इन द मेमोरी ऑफ द रानी, और ये इनके कंट्रीब्यूशन को याद किया जाता है। तो सेम वही चीज 1993 के आसपास इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, और ये वही समय पर है, तो ये थोड़ा सा आप समझ लेते हैं, दैट इज 1993, नागा स्पिरिचुअल लीडर हैं, 13 साल में जो है वो एक मूवमेंट को ज्वाइन करते हैं। और इनका और क्या कंट्रीब्यूशन, शी वॉज द लीडर ऑफ द गोरिल्ला फोर्स एंड डेट वॉन्टेड टू बी ड्राइव आउट द ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया। तो इनका काफी ज्यादा, ये रानी की जो टाइटल है वो दिया गया है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। शिलोंग में इनसे ये मिलने जाते हैं, 1937 की बात होती है। एक्चुअली इनको क्या है, लाइफ इंप्रिजनमेंट, मतलब जो आपका आजीवन कारावास दे दिया जाता है एट द एज ऑफ द 60, ठीक है। 13 साल में पार्टिसिपेशन शुरू कर देती हैं, 16 साल में इनको पकड़ा जाता है, फिर इनको लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट दे दिया जाता है और इन्हें डॉटर ऑफ हिल्स की उपाधि दी गई है आपके जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू जो है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया को बोलते हैं कि आप इनको रिलीज कर दीजिए, लेकिन ये रिलीज नहीं किया जाता। तो इस तरीके से इनका कंट्रीब्यूशन अपने आप में खास है। तो आप जैसे जो लिखते हैं ना फ्रीडम फाइटर्स में, जो फ्रीडम फाइटर्स दैट इज रिलेटेड टू द जो वुमेन्स फ्रीडम फाइटर हैं, उनमें इनका नाम जो है वो खास आ जाता है। भाई सुचेता कृपलानी या कह सकते हैं कि जो आपका जो खास खास लीडर हैं उनके नाम तो आप, उषा मेहता है ये अभी आपको देखने को मिलेंगे, इनके नाम तो शायद आपको पता होंगे बट इनके नाम जो है ज्यादा पता नहीं होगा, तो इनको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है रानी की कहानी और आगे हम देखते हैं कि किस तरीके से आगे देखने को। इसी समय की एक खास और घटना है, जो घटना इस सीडीएम मूवमेंट को क्या है कि नेशनल लेवल से वर्ल्ड लेवल पर
पब्लिश कर देती है। क्या होता है एक्चुअली, क्या है कि यहां पर एक एक धरसाना नाम की एक जगह होती है और वहां पर भी सॉल्ट मूवमेंट को लेकर कैंपेन चलाई जाती है। कल हम जो है धरसाना में जाएंगे और वहां पर जो है वहां पर सत्याग्रह करने की कोशिश करेंगे, वहां पर हम जो है उसको कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, एक सरकारी कारखाना है, वहां पर नमक जो है कानून को तोड़ने की कोशिश करेंगे, एंट्री करेंगे, ठीक है। तो पुलिस वगैरह लगा हुआ होगा, ठीक है, पहले से ही खबर पता चल जाती है, सीधी सी बात है, गुजरात की जगह है और यहाँ पर जो है लीडर जो है वो सरोजनी नायडू, ठीक है, और आपके इमाम साहब और आपके मणिलाल, ठीक है, ये दो तीन लीडर आपके यहाँ पर कैंपेन करते हैं। और मैंने शायद सुचेता कृपलानी बोल दिया, सरोजनी नायडू थी वो महिला जो मैंने अभी आपको पिक्चर दिखाई है, सॉरी, ठीक है। तो ये सरोजनी नायडू जो हैं, और यहां पर क्या होता है कि यहां पर इस कैंपेन को कवर करने के लिए, यहां पर इस कैंपेन को कवर करने के लिए एक अमेरिकन जर्नलिस्ट, ठीक है, एक अमेरिकन पत्रकार जो हैं वेब मिलर जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। ये वेब मिलर जो हैं ये वही हैं जो वो आपके उस कैंपेन को कवर कर रहे थे जो मैंने अभी आपको पिक्चर में बताया था। और इनका एक न्यूज़पेपर है जिसकी चर्चा मैंने अभी अभी आपको की थी, जिसका नाम मैं भूल रहा था, न्यू फ्री मैन, दैट इज पब्लिश बाय द यूएसए। और ये वेब मिलर जो है इस पूरे सीडीएम को कवर करते हैं, इन्होंने कई वॉर को भी कवर किया है, ठीक है, और ये इनको काफी पुरस्कार भी मिले, काफी फेमस रिपोर्टर होते हैं। तो हम इतना नहीं जाना, बट थोड़ा सा ही ध्यान दीजिएगा, न्यू फ्री मैन दैट इज द न्यूज़पेपर दैट वॉज पब्लिश इन यूएसए एंड ही इज गोइंग टू कवर सीडीएम मूवमेंट, और सीडीएम मूवमेंट्स को कवर करते हैं और ये पूरे विश्व के सामने लेकर आते हैं कवरेज। क्यों होता है? क्योंकि धरसाना वाला जो मूवमेंट है वो अपने आप में खास है, क्योंकि इतनी बेरहमी के साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट भारतीय लोगों को पीटती है, मारती है, इस चीज को उजागर किया है इस व्यक्ति ने। क्या होता है उसको थोड़ा सा समझते हैं। ये है वेब मिलर, ठीक है, गांधी मूवी से लिया गया पिक्चर है जिसमें गांधी जी के साथ ही आपको देखने को मिलते हैं, एंड ही वॉज द पर्सन, ठीक है, जो इस चीज को सामने लेकर आ, क्या चीज लेकर आ रहा है सामने उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये धरसाना का एक सॉल्ट वर्क, ठीक है, ये आपका मिल होती है जहां पर सॉल्ट बनाया जाता है या नमक बनाया जाता है, ये वहां, और यहां पर जो है सत्याग्रही पहुंच जाते हैं, ठीक है, और सत्याग्रही जब पहुंचते हैं तो क्या होगा भाई, सामने से पुलिस होगी और पुलिस के सामने क्या होंगे, जो कैंपेन करने वाले लोग होंगे, इमाम साहब हैं, ठीक है, आपकी सरोजनी नायडू हैं, ये सब लोग जो हैं वो यहां पर आ जाएंगे। अब होता ये है कि इस तरीके से सिचुएशन देखने को मिलती है कि पुलिस जो है इनको आने से रोकती है, बोला नहीं आप एंट्री नहीं कर सकते, बोला ठीक है नहीं हम तो एंट्री करेंगे, और एंट्री करने ये जाते हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या है, पुलिस क्या करती है कि अब ये एक रो में रहते हैं, मूवी में भी दिखाया गया है, वहां से देख सकते हैं, वन टू वन रो है, पहली रो गई, दूसरी रो गई, तीसरी रो गई, चार पांच छह, इनके साथ साथ एक मेडिकल की टीम भी होती है, महिलाएं जो हैं वो मेडिकल टीम को लीड करती हैं। और ये पहला वाला व्यक्ति गया, दैट मींस ये आया गया, इन्होंने लाठी चार्ज की, ये गिर गए, ठीक है, ये वापस इधर मेडिकल के पास पहुंच गया। दूसरा वाला गया, ठीक है, दूसरा वाला को भी लाठी मारा गया, ये इसको फीमेल जो मेडिकल टीम है वो इसको ट्रीटमेंट देती है। इसी तरीके से तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे कई लोगों को ब्रिटिश पुलिस ने काफी बेरहमी के साथ मारा गया है, और इस तरीके से ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो धरसाना का जो इंसिडेंट हुआ, या बेरहमी के साथ पुलिस के द्वारा जो आपके सत्याग्रही हैं उनको मारा गया है, इस चीज को कवर किया है हमारे वेब मिलर साहब ने, और इस चीज को रिप्रेजेंट किया है विश्व के सामने। इसकी वजह से यहां पर देखो कितना बड़ा इशू देखने को मिलता है, मतलब ये इसको ज्यादा कवरेज मिलती है, और ये वो चीज है धरसाना सत्याग्रह, ठीक है। ही वॉज दैट मीन्स इमाम साहब और अपने अनुयायियों के साथ ये रो में आपको देखते हुए दिखाई देते हैं, कितने सारे आपके रो हैं, और यहाँ ये सबसे आगे जाते हैं, इनको लाठी पड़ी, ठीक है, ये बाहर, ठीक है, फीमेल जो आपकी टीम है वो कहीं ना कहीं जो है वो उनकी देखभाल करती हैं, ये सेकंड रो आती है, फिर ऐसी थर्ड रो, ऐसे करते करते ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और ये है पुलिस वाले जो इस जो इनको डंडा मारने के लिए रेडी है। तो ये एक थोड़ी सी कैंपेन इस तरीके से देखने को मिलेगी, और इस तरीके का सिचुएशन आपको देखने को मिलेगा कहां, धरसाना में, और धरसाना गुजरात में इस तरीके से आपको ये होगा, ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। ये गांधी मूवी में आपने यदि देखा हो तो ये थोड़ा वहीं से लिया है, ठीक है, दिस इज द पिक्चर्स, ठीक है, जो अब मैंने वहां से ली है। अब यहाँ पर मतलब ड्यूरिंग द मूवमेंट, मूवमेंट के दौरान और भी कई घटनाएं होती हैं, और उन घटनाओं को थोड़ा सा कनेक्ट करते हुए देखते हैं। गांधी जी ने एक ऐसा इशू उठाया था जिस इशू से हर वर्ग व्यक्ति जो है वो जुड़ा हुआ था। मैंने आपको ये बताया, सॉल्ट हर कोई खाता है, अमीर गरीब, ठीक है, ऊंचा नीचा, दैट मीन्स दाएं बाएं, सब के सब,
इसकी वजह से इस मूवमेंट में हर वर्ग के द्वारा सपोर्ट देखने को मिलेगा इन ईच एंड एवरी वर्ग. दैट मीन्स कि पीपल्स आर गोइंग टू सपोर्ट दिस मूवमेंट, और जब सपोर्ट करेंगे तो क्या होगा दैट यहां पर बहुत तेजी से ये आपका मूवमेंट आपको डेवलप देखने को मिलेगा. ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट भी लगी है, लीडर्स को पकड़ लेगी. ठीक है, गांधी जी को भी पकड़ लिया जाएगा आगे चलकर. ठीक है, और यहां पर एक घटना और देखने को मिलती है कि आंदोलन के दौरान जब भारतीय सैनिक, दैट मीन्स कह सकते हैं इंडियन सोल्जर्स, ठीक है, जो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंतर्गत काम कर रहे हैं, दे आर गोइंग टू रिफ्यूज टू द फायर ऑन द पीपल एट पेशावर. पेशावर नाम की जो स्थान है वहां पर वो गोली चलाने से मना कर देते हैं. बोला मैं अपने भारतीय लोगों पर गोली कैसे चला दूं, मैंने देश का नमक खाया है. अब देखो नमक की बात आ गई कि नहीं आ गई. ठीक है, सॉल्ट, दैट मीन्स लोकल इश्यूज. ठीक है, और ये व्यक्ति, ये सॉरी, ये जो सॉल्ट है वो लोगों को जोड़ के रखता है. और यहीं पर वो सोल्जर्स मना कर देते हैं कि मैं इंडियंस लोगों पर गोली नहीं चलाऊंगा, नहीं चलाऊंगा. और इस तरह की घटनाएं भी देखी. दिस इज द इन्फ्लुएंस ऑफ द गांधी. ठीक है, दिस इज द इन्फ्लुएंस ऑफ द CDM. ठीक है, ये हम यहाँ पर देख रहे हैं. और ये हर वर्ग को जोड़ रहा है, ना केवल बच्चे बल्कि दैट मीन्स ठीक है बड़े, बल्कि बच्चों को भी यहाँ पर जोड़ा जा रहा है. और बच्चों की जो सेना है, दैट मीन्स ठीक है बच्चे भी जो है इसमें पार्टिसिपेशन करते हैं. ठीक है, और इस तरीके से अपना विरोध दर्ज करते हैं, सत्याग्रह, ये सारी कैंपेन चलते हैं. और लड़के अपनी एक सेना बना लेते हैं, मतलब और सेना को बोला जाता है वानर सेना. अब लड़के आगे आ गए हैं तो लड़कियां पीछे थोड़ा रहेंगी. ठीक है, और वो बनाई जाती हैं, ठीक है, वो भी अपनी सेना लेकर आ जाती हैं. वानरी सेना, वानरी सेना नहीं होती एक्चुअली. ठीक है, नहीं तो आप सोचेंगे भाई वानरी सेना लड़के वानर तो लड़कियां वानरी. ठीक है, नहीं, ठीक है, दैट इज मंजरी सेना जो है दैट वॉज लीडेड बाय द गर्ल्स. ठीक है, तो मोटे तौर पर आप देख रहे हैं कि हर वर्ग जो है इसमें कहीं ना कहीं कैंपेन के लिए आगे आता है. और कैंपेन करते हुए जो है वो CDM में अपना अपना कंट्रीब्यूशन कर रहा है. और कंट्रीब्यूशन करने के पीछे क्या है, जो लोगों को जोड़ता है, क्या लड़के क्या लड़कियां, ठीक है, क्या बुजुर्ग, क्या दैट मींस दादी अम्मा. सीधी सी बात है, ऑल दीज पीपल आर कनेक्टेड विद द CDM और CDM से वो कनेक्ट होते हैं. और इस तरीके से आप देखेंगे कि ना केवल आपको नॉर्थ वेस्ट में देखने को मिलता है, नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलता है, कोरोमंडल, मालाबार, ठीक है, हर जगह. आप उल्टा बोल दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. आप देखेंगे कि हर जगह आपको हर वर्ग का समर्थन देखने को मिलता है. क्या हम ऐसा कह सकते हैं दिस इज द एडवांस वर्जन ऑफ NC? ऑफ कोर्स, ठीक है, तो जो नॉन कोऑपरेशन हमने देखा था उससे ज्यादा जो लोगों को आपको देखने को मिलेगा. अलग अलग लोकल इश्यूज देखने को मिलते हैं, कोई अपने अपने लेवल पर जो है लोकल इश्यूज को उठाकर जो है वो अपने कैंपेन चलाते हैं. और यहां पर हम देखेंगे सेंट्रल प्रोविंस, दैट मीन्स मध्य भारत जो कह सकते हैं, या मध्य प्रदेश वाला भाग कह सकते हैं, CP, ठीक है, वहां पर आप देखेंगे कि फॉरेस्ट सत्याग्रह चलाया जाएगा, वन में सत्याग्रह चलाया जाएगा. ठीक है, लोग वन में अपने अपनी मांगों के लिए सत्याग्रह चालू करते हैं. तो ये मूवमेंट जो ना केवल आप देखेंगे सॉल्ट के साथ साथ है, बल्कि इसमें आपने लोकल इश्यूज को भी ऐड कर दिया है. और इस तरीके से ये नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स खेली जा रही है, यह बताई जा रही है. और इस तरीके से आपको पत्रकार, आपको आज तक और आपके ABP न्यूज वाले पत्रकार भी मिल चुके हैं जो आपकी सारी चीजों को कवर कर रहे हैं, ये भी हम समझ रहे हैं. ठीक है, और गांधी जी को लोग, कुछ लोग कहेंगे बोले मलंग बाबा, बोले मलंग बाबा ही जो है हमारा कल्याण कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो लोकल इश्यूज हैं उनको कौन सही कर सकता है, हमारा गांधी ही कर सकता है. और गांधी सही में पगला है, ठीक है, दैट इज मलंग बाबा है, ठीक है हमारा. ठीक है, और यही मलंग बाबा जो है हमें जो है आजादी दिलाएगा. ये वैसे ही है जैसे आप देखेंगे कि आपने एक देखा होगा एक मूवी, देखिए मैं आपको एक चार MBBS मुन्ना भाई MBBS पार्ट वन की बात कर रहा हूँ, दैट इज द ओरिजिनल वन. सेकंड, पहले वाली मूवीज में आप यदि देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें एक जाहिर भाई होता है, ठीक है, एंड जाहिर भाई जो है उनकी वो मरने वाले होते हैं, उनको कैंसर शायद डिसीज होता है, मतलब ही वॉज गोइंग टू डाई, कैंसर होते हैं. और उनको जीने का सलीका सिखा देता है कौन, मुन्ना. और मुन्ना उनको कुछ इस तरीके से सिखाता है कि वो बोलता है कि यार रियली में ये जिंदगी है, मतलब नहीं तो क्या होगा, आपके पास 30 दिन हैं और 30 दिन में जो है वो आप मरने वाले हैं. तो वाकई में वो 30 दिन जी लेता है जाहिर. तो जाहिर जब उसके पास आप देखते हैं कि उसके पास 30 दिन बचे हुए हैं, तो जाहिर वो 30 दिन में वास्तव में वो जिंदगी जी लेता है जो मुन्ना उसको कहता है. और फाइनली आप देखते हैं कि आप देखेंगे लास्ट सीन में बताया जाता है कि जाहिर बोलता है भाई कि मुझे जीना है, मुन्ना मुझे बचा लो. दैट मीन्स द पीपल आर सेइंग अबाउट दैट द CDM मूवमेंट्स के दौरान या सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान लोग ये कहते हैं कि गांधी गांधी आप ही हमें बचा सकते हो, आप ही हमारे मुन्ना हो, आप ही हमारे मलंग बाबा हो. ठीक है, तो जाहिर इज नथिंग बट दैट मीन्स जनता. जाहिर जो आपको देखने को मिलेगा जो किरदार वो जनता है, और मुन्ना जो किरदार है वो कौन है, वो गांधी है. और गांधी से लोग कहते हैं बोला आप ही हमारे दैट मीन्स माई बाप हो, और आप हमें लोकल इश्यूज के द्वारा या आप हमें जो है अंग्रेजों से या एक्सप्लॉयटेशन से
आप बचा सकते हो, ये टैक्स वैक्स दुनिया भर की चीजें, फॉरेस्ट, ये सारी चीजें। तो मोटे तौर पर आप देखिए कि जाहिर का किरदार जो है वो जनता निभा रही है, और ये जाहिर जो है वो आपको देखने को मिलेगा वो डिमांड कर रही है मुन्ना से, मतलब हमारे मलंग बाबा से, और इस तरीके से उन्हें बोला जाता है, बोला आप ही मलंग कर सकते हो हमारा जिंदगी। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है, समझ गए, ठीक है, वापिस आ जाइए हॉस्पिटल की पार्टी से, ठीक है। तो एक तरीके से यहां पर हम देखेंगे कि जनता को उन्होंने कनेक्ट किया, और जनता को जब कनेक्ट किया है तो एक मास मूवमेंट आपको देखने को मिलता है, और कांग्रेस के कई लीडर्स को जो है वो पकड़ लिया जाता है, और इस तरीके की सिचुएशंस आपको देखने को मिलती है। क्योंकि भाई सीधी सी बात है, आप देखेंगे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ बैठी तो नहीं होगी, उन्होंने गोलियां चला रही है, ठीक है, गोलियां चला रही है, लोगों को मारा जा रहा है, ठीक है, लोग जो है बिल्कुल इस चीज का विरोध नहीं कर रहे हैं, अपनी गिरफ्तारी दे रहे हैं, इस तरीके की सिचुएशन, इस तरह की घटनाएं आपको देखने को मिलती हैं। लेकिन इसी बीच में आपको एक घटना और देखने को मिलती है, दिस इवेंट इज नथिंग बट दिस इज द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब देखिए बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, बैकग्राउंड में आप देखेंगे कि एक सीडीएम मूवमेंट चल रहा है, और सीडीएम मूवमेंट्स के बैकग्राउंड में ही हमें देखने को मिलेगा एक लंदन, दैट मीन्स यहां पर एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की जाती है, एक मीटिंग बुलाई जाने की बात की जाती है, और इस मीटिंग को कहा जाता है आरटीसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। गोल मेज के आकार की एक मीटिंग होने वाली है जिसमें सभी लोगों को बुलाया जाएगा, सभी लोग जो है एक दूसरे के साथ डिस्कशंस करेंगे, अपनी बात रखेंगे, और ये बात या मुद्दा किससे रिलेटेड होगा, भारत के संविधान या भारत की आजादी से रिलेटेड पॉइंट्स पर डिस्कशन होगा। तो चलते हैं सीडीएम मूवमेंट के दौरान होने वाली इस घटना की, और तो सीडीएम मूवमेंट्स तो चलता रहेगा, ये घटना है बिल्कुल जो मैंने आपको बताई है कि बायकॉट, बहिष्कार, टैक्स, ये सब चीजें एक वर्ष तक जारी रहती हैं, और ब्रिटिश गवर्नमेंट आरटीसी कॉन्फ्रेंस लेकर आती है, और इस आरटीसी जो मूवमेंट है, सॉरी आरटीसी आपकी जो कॉन्फ्रेंस है, मतलब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। तो आप सीधे हम चलते हैं आरटीसी, और ये आरटीसी क्या है, तो आरटीसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, ये आपकी गोलमेज सम्मेलन के नाम से जानी जाती हैं, और ऐसी तीन सम्मेलन आपको देखने को मिलेंगे, पहला, दूसरा और एक तीसरा, ठीक है। तो ये मैंने एक साथ यहां पर रखने की कोशिश की है, और यहां पर हम देखेंगे कि 30 जनवरी नवंबर 1930 के आसपास 1931 तक ये चलेगा, सितंबर 1931 के बाद 31 दिसंबर तक चलेगा, और फिर नवंबर 1932 से दिसंबर 1932 तक ये मोटे तौर पर चलेगा। तो ये तीन है ना, मोटे तौर पर आप देखिए 30, 31, 32, ऐसा भी आप याद रख सकते हैं, था ना। और ये कॉन्फ्रेंस आपकी लंदन में ऑर्गेनाइज की जाएंगी। इसका उद्देश्य क्या है, भारत के संविधानिक सुधारों के लिए प्रयास करना, या हम कह सकते हैं कि हमारी जो साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट है उस पर डिस्कशन करना, ठीक है। वी नीड टू डिस्कस दिस रिपोर्ट एंड वी नीड टू दैट रिफॉर्म्स इन द कॉन्स्टिट्यूशनल वे, मतलब जो हमारा संविधानिक तरीका है उस पर हम डिस्कशन करेंगे, सभी पार्टियों को लेंगे और इस पर बातचीत चर्चा शुरू करेंगे। तो ये गोलमेज सम्मेलन का उद्देश्य होता है, तीन होते हैं, 31, 31, 32, इस तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पर चलते हैं, और वहां पर आप देखेंगे कि क्या होने वाला है। तो नवंबर 1930 से जनवरी 1931 के बीच में ये आपका देखने को मिलता है। ऑब्जेक्ट मैंने अभी आपको बताया, वी आर गोइंग टू डिस्कस द साइमन कमीशन रिपोर्ट, इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, इन चीजों पर हम चर्चा करेंगे, और इसके बेस पर एक निर्णय या एक नतीजे पर पहुंचेंगे, ठीक है। और नतीजे पर पहुंचते हैं तो थोड़े से कुछ बात और कर लेते हैं। इन गोलमेज सम्मेलन का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, या सॉरी आज मेरे शब्द बहुत ज्यादा बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, आई एम सॉरी। इन गोलमेज सम्मेलन का जो उद्घाटन है वो है जॉर्ज पंचम के द्वारा किया जाता है। जॉर्ज पंचम दैट मीन्स जो हमारे किंग होते हैं और इस समय प्राइम मिनिस्टर है हमारे मैकडोनल्ड, रैमसे मैकडोनल्ड, ठीक है। ये जॉर्ज फाइव कौन है, ये जॉर्ज फाइव वही है जिनका हमने स्वागत किया था दिल्ली दरबार, डू यू रिमेम्बर दिल्ली दरबार, ठीक है, दिसंबर 1911 जब हमारी कैपिटल शिफ्टिंग हुई थी और हमने सेपरेशन ऑफ बंगाल को भी रिजेक्ट किया था, यदि आपको याद हो। तो जस्ट टू रिमेम्बर दिस पर्सन, मैंने केवल क्या किया, उसी का फोटो रखा है और इस पिक्चर्स के माध्यम से मैं आपको चीजें रिमाइंड करा रहा हूँ जो पीछे हमने देखी, 1911 कैपिटल शिफ्टिंग, ठीक है। इसके अलावा दिल्ली कॉन्स्परेंसी याद करिए, बम फेंकने की कोशिश, ठीक है, जब हमारे
लॉर्ड हार्डिंग जो आते हैं, ठीक है, और यहाँ पर ये आपके सत्ता में आते हैं। और इसके बाद हमने देखा था जॉर्ज फाइव जब आता है तो उसी समय हमने देखने को मिलेगा गेटवे ऑफ इंडिया, है ना, 1911 के आसपास ही देखने को मिलता है, ठीक है, जो मुंबई में बनाया गया है। जॉर्ज फाइव थोड़ा सा याद रखिएगा, है ना, बाकी याद रखने की जरूरत नहीं है, मतलब मैंने केवल इस चीज को, घटना को, इंपीरियल दरबार, डू यू रिमेम्बर, इसको थोड़ा सा खास ध्यान रख लीजिएगा। और ये कनेक्शन वहीं से जुड़ेगा, जॉर्ज फाइव जो है, ठीक है, और यही आपके सत्ता में रहते हैं। इसके बाद रैमसे मैकडोनाल्ड, ठीक है, दैट मीन्स ही वॉज द पर्सन हु वॉज होल्डिंग द पोस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ये प्राइम मिनिस्टर हैं यूनाइटेड किंगडम्स के, और ये व्यक्ति जो है उसी के समय पर आपको ये देखने को मिलेगा क्या, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की जाएंगी, और इसी के बाद आगे हमें थोड़ा सा देखने को मिलेगा 1932 में आपका जो कम्युनल अवार्ड है, और ये कम्युनल अवार्ड जो है वो मैकडोनाल्ड के द्वारा ही दिया जाएगा। अभी हम इसकी चर्चा करेंगे, 1932 में आएगा। एंड कम्युनल अवार्ड इज नथिंग बट दैट इज द एडवांस वर्जन ऑफ सेपरेट इलेक्ट्रॉल, सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था का एडवांस वर्जन देखने को मिलेगा, SE सेपरेट इलेक्ट्रॉल वर्जन 3.0। क्या होगा अभी देखेंगे, ठीक है, आगे आगे तो थोड़ा सा कनेक्शन जोड़िए। और इस तरीके से हमने देखा है इसका जो उद्घाटन हो चुका है, RTC पहला ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, और इसमें चर्चा हो रही है किन चीजों की, क्या साइमन कमीशन की रिपोर्ट की, संवैधानिक सुधारों की चर्चा हो रही है, क्या कांग्रेस इसमें पार्टिसिपेशन करती है। कांग्रेस इसमें पार्टिसिपेशन बिल्कुल नहीं करती, बिकॉज बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, 1930 में हमने देखा है CDM मूवमेंट आपका चल रहा है, और CDM मूवमेंट में बिजी या कह सकते हैं जो लीडर हैं उनको पकड़ लिया जा चुका है, और इस तरीके से कांग्रेस इज नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट इन दिस RTC मीटिंग। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की यदि हम बात करें तो कांग्रेस केवल और केवल सेकंड वाले आपके RTC में भाग लेती है, पहले वाले में भाग नहीं लेती और तीसरे वाले में नहीं भाग लेती। तो ध्यान दीजिएगा, सेकंड वाले में ही भाग लिया जाता है, और इसमें गांधी जी जो होते हैं वो उनके ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान गांधी जी लंदन की ओर जाएंगे, और यहां पर सर लिबरल, हाँ, लीड बाय द सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक है। देखिए यहां पर बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, यहां पर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एंड ऑल दीज पार्टीज आर पार्टिसिपेटिंग इन RTC। बोला अच्छा, बढ़िया, चाय बड़ा पाव मिलेगा, ठीक है, बढ़िया, जाते हैं लंदन वंदन घूम कर आते हैं। तो इस तरीके से मीटिंग बुलाई जा रही है ताकि भारतीय लोगों को कहीं ना कहीं क्या है, ठीक है, इस मुद्दे पर समाधान। बाकी आपको पता है कि ब्रिटिश अंग्रेज क्या करने की कोशिश करते हैं। द कॉन्फ्रेंस वॉज बायकॉटेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस बट द मुस्लिम लीग, ठीक है, हिंदू महासभा एंड द लिबरल्स एंड अदर ग्रुप्स, इसमें तेज बहार से सप्रू वगैरह आएंगे, ठीक है, अभी हम नाम देख लेंगे, ठीक है। ऑल दीज पीपल्स आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस RTC, और ये इस पर डिस्कशन चलता है, लेकिन इस कॉन्फ्रेंस में जो है कांग्रेस भाग नहीं लेती है, कांग्रेस भाग नहीं लेती है, लेकिन इस को भी ज्यादा डिस्कशन ना करते हुए फिर इसको खत्म कर दिया जाता है, क्योंकि कांग्रेस जो आपकी एक अम्ब्रेला, अब देखो कांग्रेस क्या है, तो अम्ब्रेला के समान है, मैंने आपको यही बताया था। एंड ऑल दीज पार्टी मुस्लिम लीग क्या है, रेनकोट वाला, और रेनकोट वाला जो है वो एक छोटे से समूह का रिप्रेजेंटेशन करता है, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस में हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, सब लोग। अभी छाता ही मीटिंग में नहीं आया RTC में, तो क्या निर्णय निकल पाएगा, नो, वी कैन नॉट से, ठीक है। इसीलिए यहां पर हम देखेंगे कि मीटिंग को रद्द कर दिया जाता है, और ये बोला जाता है कि भाई कांग्रेस को लेकर आओ, और कांग्रेस कब आएगी, सेकंड वाले में आएगी, अभी हम देखेंगे। और लेकिन कांग्रेस जो है वो अपनी डिमांड पर अड़ी हुई है, और डिमांड है कंप्लीट इंडिपेंडेंस। इस तरीके की बातें देखने को मिलती हैं। यहां पर उन लोगों का नाम मैंने यहां रखा हुआ है जो इसमें भाग लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर आप देखेंगे जिन्ना साहब आपको देखने को मिलेंगे, B.R. अंबेडकर देखने को मिलेंगे, तेज बहादुर सप्रू, लिबरल्स में जो है वो आपके तेज बहादुर सप्रू आएंगे, ठीक है। और यहां पर आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग हैं, दे आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन RTC, ठीक है। यहाँ पर जो कुछ जो है जो आपकी रीजनल स्टेट्स हैं, मतलब जैसे आपकी जो आपकी रियासतें हैं, जैसे राजा राजेंद्र नाथ, है ना, तो रियासतों के रिप्रेजेंटेटिव भी भाग लेते हैं, मेरा कहने का मतलब है। बीकानेर के महाराजा ये भी पहुंचते हैं। तो ये क्या है, भारत केवल क्या है, दैट मीन्स ब्रिटिश एम्पायर की बात नहीं की जा रही, ये पूरे भारत की बात की जा रही थी, जिसमें रियासतों के रिप्रेजेंटेटिव भी आपको देखने को मिलेंगे। ऑल दीज पीपल आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन दिस
मीटिंग, और इस मीटिंग में जो भाग ले रहे हैं इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा। तो गोलमेज सम्मेलन यहां पर लिया जब भाग लिया जा रहा है, लेकिन इसको कैंसिल कर दिया जाएगा बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ द कांग्रेस। कांग्रेस की अनुपस्थिति की वजह से इस सम्मेलन को बिना नतीजे के जो है खत्म कर दिया जाता है। अब हम मिलेंगे सेकंड वाले उसके दौरान, तब तक कांग्रेस को मनाना पड़ेगा। मनाने के लिए क्या किया जाएगा, एक पैक्ट किया जाएगा, एक समझौता किया जाएगा जिसे भारतीय इतिहास में गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब ये गांधी इरविन पैक्ट वी विल ऑब्जर्व इन द 5th मार्च 1931। ठीक है, ये 1931 में 5 मार्च को होगा, जिसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब होता यह है कि गांधी जी जो है, गांधी जी को नजदीक लाना पड़ेगा, और गांधी जी को नजदीक लाने के लिए क्या होगा, हमें यहां देखने को मिलेगा लिबरल्स या मॉडरेट्स जो आपके जो नेता हैं, जिसमें तेज बहादुर सप्रू हैं और मुकुंद राम राव जयकर, ठीक है, श्रीनिवास शास्त्री, ये लोग जो हैं वो गांधी जी, मोहनदास करमचंद गांधी और गवर्नमेंट के बीच में एक मीडिएटर का काम करते हैं। बोले यार गांधी जी आप इनसे बात कर लो, ठीक है, गवर्नमेंट कहती है ठीक है हम उनकी ये बात मांगेंगे, ठीक है, और हम इनकी डिमांड इस तरीके से पूरा करने की कोशिश करेंगे एंड वी विल कम्युनिकेट। तो इस तरीके से मॉडरेट्स तेज बहादुर सप्रू, ठीक है, राम राव जयकर, श्रीनिवास शास्त्री के मध्यस्थता के कारण गांधी जी को गवर्नमेंट के साथ एक मीटिंग फिक्स की जाती है, और इस मीटिंग फिक्स में के तहत मतलब गांधी जी को रिलीज किया जाएगा। पहले तो 25 जनवरी 1931 को रिलीज कर देंगे गांधी जी को, और कांग्रेस जो कि पार्टी पर बैन लगा दिया गया था सीडीएम के दौरान, उसे क्या कर दिया जाएगा, उसे हटा लिया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है वो सीडीएम को लॉन्च कर रही है, उस पर बैन लगा दिया गया था और उस बैन को हटा दिया जाएगा। भाई अब गांधी जी को मनाना है तो सबसे पहले क्या फील्डिंग सेट करनी होगी कि नहीं, उनको पहले रिहा करो, उनकी पार्टी को थोड़ा सा आप क्या करो, दैट मीन्स कि उसको इलीगल जो बैन लगा रखा था आपने उसको हटा दोगे। इस तरीके से गांधी जी जो है वो आपके इरविन से मिलने के लिए राजी होते हैं, और इरविन से मिलने के दौरान 5 मार्च 1931 को ये एक ऐतिहासिक जो है आपका पैक्ट साइन किया जाएगा, 1931 का गांधी इरविन पैक्ट या दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, अब इस पैक्ट में क्या होता है, अब थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, जब ये पैक्ट साइन हो रहा है इसी के बैकग्राउंड में आपको थोड़ा सा देखने को मिलेगा। यू विल फाइंड आउट 23rd मार्च 1931, डू यू रिमेंबर दिस डेट, गांधी जी जहां यहां पर मोहनदास करमचंद गांधी इरविन के साथ बैठकर मीटिंग कर रहे हैं और सीडीएम मूवमेंट्स या बाकी चीजों पर मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं, उसी समय बैकग्राउंड में 23 मार्च 1931 की तैयारी भी चल रही है। 23 मार्च 1931 को क्या होने वाला है आप लोगों को पता होना चाहिए। दिस इज द डे जब हम शहीद दिवस मनाते हैं, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन तीन लोगों पर जो है इन तीन लोगों को फांसी दे जाने की तैयारी चल रही है सरकार की, और यहां पर गांधी जी एक मीटिंग कर रहे हैं। तो गांधी जी के मतलब देखो क्या होता है कि उनका जो कैरियर है बहुत बड़ा लीजेंड वाला रहा है, ठीक है, और उसमें बहुत सारे दैट मीन सितारे हैं, लेकिन उसमें एक ब्लैक स्पॉट भी है, वो ये है कि गांधी जी ने इस दौरान चर्चा में कोई बात नहीं की, मतलब आपके भगत सिंह या इनको रिलीज करने के लिए कोई बात नहीं की। हमें नहीं मालूम है कही या नहीं कही, बट अभी तक जो हिस्ट्री की बुक्स में देखने को मिलता है उसमें कोई ऐसी चीज देखने को बिल्कुल नहीं मिलती। ठीक है, समझ में आया, कई ऐसी चीजें हैं जो अभी तक क्लियर नहीं है, ठीक है, तो आप ऐसा समझ सकते हैं, तो दिस इज द ब्लैक पेज ऑफ द गांधी हिस्ट्री, ठीक है, गांधी के इतिहास से संबंधित जो है वो काला अध्याय है कि उन्होंने इस चीज पर कोई चर्चा नहीं की। और 23 मार्च 1931 को हम देखते हैं कि तीन लोग शहीद हो जाते हैं, तो ये भी थोड़ा सा गांधी जी पर, कई लोग जो है फिर जब गांधी आते हैं तो फिर कहीं ना कहीं क्या होता है कि लोग उन्हें झंडे दिखाते हैं, ब्लैक फ्लैग, ठीक है, उनका विरोध करते हैं, ये भी थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब गांधी इरविन पैक्ट जो है वो हो तो रहा है, उस पैक्ट में चर्चा नहीं की गई, लेकिन चर्चा किन बिंदुओं की गई हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। और चर्चा है, सबसे पहले हम देखेंगे कि आप सीडीएम मूवमेंट को बंद कर दीजिए। कौन बोल रहा है, आप इरविन कह रहे हैं, ठीक है साहब मूवमेंट को हम बंद कर देंगे, ठीक है, आई एम एग्री। हाँ, गांधी जी का विरोध इसीलिए किया जाता है, लेकिन आप देखिए कि भाई देखो हर व्यक्ति में बुराइयां होती हैं, ठीक है, थीके? लेकिन कुछ एक अच्छाई भी होती है। रावण भी देखेंगे आप, देखेंगे एक लीजेंड विलेन था कह सकते हैं, ठीक है, थीके? लेकिन उसमें भी एक अच्छाई थी, आखिरी समय पर उसने राम जो है श्री राम कहना शुरू कर दिया, आपने भी देखा होगा, ठीक है, तो वही चीज है, ठीक है, तो गांधी के अकाउंट में भी वही चीज है। तो 100
अच्छे काम है तो एक बुरा काम भी हो सकता है और वो कहीं ना कहीं ये होगा, या हम ऐसा कहें कि चर्चा हुई हो लेकिन उसे आने नहीं दिया गया हो। जो चर्चा इरविन की और गांधी की हुई होगी वो हमें नहीं मालूम है, वट एवर दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं चीजों पर, और गांधी जी जो है वो नॉन वायलेंस को सपोर्ट करते हैं ना, और जो भगत सिंह है वो हिंसा की बात करते हैं, तो इस वजह से ये विचारधाराएं या आइडियोलॉजी का कंफ्लिक्ट था, शायद इस वजह से भी वो चर्चाएं नहीं की। कभी कभी लोगों के मानक होते हैं ना, और उन मानकों पर वो व्यक्ति जो है वो डिस्कशन नहीं करता ना। देखो अब देखो एक चीज और समझिए, मोहनदास करमचंद गांधी का मतलब क्या है, वो नॉन वायलेंस की बात करते हैं। अभी आप पढ़ोगे थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं गांधी की आइडियोलॉजीज पर, तो नॉन वायलेंस का मतलब क्या है, दैट मींस ठीक है हिंसा को सपोर्ट ना करना। गांधी जी अहिंसावादी हैं, और हिंसा का मतलब क्या होता है, क्या गोली मारना ही होता है, ठीक है, बिल्कुल नहीं भैया। यदि गांधी की आइडियोलॉजी ये कहती है, यदि आपने सोच लिया है किसी के मन में, दैट मीन्स मन में भी सोच लिया है कि इस व्यक्ति का बुरा हो जाए, तो वो भी हिंसा है भाई, ये गांधी का कहना है। तो भाई तुमने तो गोली मारी है किसी को, तो गांधी की आइडियोलॉजी के हिसाब से तो आप बिल्कुल दैट मीन्स के जस्ट अपोजिट हो। तो दिस इज द दैट मीन्स इशू ऑफ द आइडियोलॉजिकल, विचारधाराओं का मतभेद है ना, ध्यान देना, विचारधाराएं अलग अलग होती हैं, इस वजह से ये देखने को मिल रहा है। और मैं तो ये कहता हूं कि दिल्ली पैक्ट के दौरान ये डिस्कशन हुआ हो, मीटिंग के दौरान दरवाजे के, दैट मीन्स जो आपके कमरे में बंद कमरे में, हमें नहीं मालूम है वो एग्जीक्यूशन हुआ है नहीं हुआ है, वो जनता के सामने आज तक नहीं आया है। अब आप देख लीजिए, कल एक मीटिंग हुई है जम्मू कश्मीर में, ठीक है, और जम्मू कश्मीर में मीटिंग हुई है, और उस मीटिंग में क्या बोला गया है, आपके अमित शाह बोल देते हैं कि हम इसे कंप्लीट राज्य का दर्जा दे देंगे, किसको, जम्मू एंड कश्मीर को, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर, और बाकी क्या डील हुई है हमें नहीं मालूम है ना, बट सामने प्रेस के सामने तो वही चीज निकल कर आएंगी जो हमें बताया जाएगा। सेम ऐसा ही है दिल्ली या गांधी इरविन पैक्ट के बीच में, शायद चर्चा हुई हो या नहीं हुई हो हमें नहीं कह सकते, और हुई भी हो तो ऐसी हो सकती है, और नहीं हुई हो तो हमें, हम इसके बारे में नहीं बात करेंगे। और क्या हुआ इस पैक्ट में, उस पैक्ट में यदि हम देखेंगे कि गांधी जी को बोला जाता है कि आपको सेकेंड RTC में भाग लेना होगा, गांधी विल दैट मीन्स जो है वो संवैधानिक सुधारों के लिए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए एग्री हो जाएंगे, ठीक है साहब, CDM रोकेंगे, और CDM जब रोकेंगे तो हम कहीं ना कहीं क्या है आपके इस RTC में भाग लेते हैं। इस तरीके से गांधी इरविन पैक्ट हो रहा है, और कुछ पैक्ट हैं, ठीक है, हम देखेंगे कि जो भी आपने ऑर्डिनेंस लेकर आए हैं, जो भी आपके दैट मीन्स जो CDM के दौरान, जैसे हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस पर बैन लगा दिया था, ठीक है, ऐसे कई और इन्होंने अध्यादेश निकाले थे, उन सारे अध्यादेश को वापिस लिया जाए, ठीक है, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को फ्री कर दिया जाए, जो हमारे जो राजनीतिक जो आपके कैदी हैं उनको फ्री कर दो, इस तरीके से उन्होंने बात की, और बोला कि हमें आजादी दी जाए कि हम धरना दे सकें, नमक बना सकें, ऐसी ऐसी बातें इस पैक्ट में की जा रही हैं। सरकार ने समुद्र के किनारे, कम से कम उन लोगों को तो दीजिए जो समुद्र के किनारे रह रहे हैं, वो तो कहीं ना कहीं क्या है, वो तो उसी पर आधारित हैं, आप उनसे टैक्स ले रहे हो, तो इस तरीके से कम उन लोगों को बोला गया है कि उनसे शुल्क मुक्त नमक एकत्रित करने की अनुमति दी जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि शराब, शराब जो है वो लिकर जो है वहां पर आप जो है शांतिपूर्ण ढंग से हम जो है विरोध मतलब विरोध अपना विरोध दर्ज करा सकें, ऐसा हमें मौका दिया जाए, ऐसा हमें काम करने दिया जाए, हम शांतिपूर्ण तरीके से सत्याग्रह या धरना देंगे, ये हमारी मांग है, ये हमारी डिमांड है, ऐसा आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब इसी दौरान अब देखो 1929, ठीक है, लाहौर रावी नदी के किनारे हमने देख लिया, ठीक है, अब हम आगे आते हैं 1930 में कोई सेशन नहीं होता, ध्यान दीजिए नेशनल कांग्रेस का 1931 में होगा, ये होगा कराची, कराची भी आपका जो है पाकिस्तान का जो शहर है वहां पर होगा, तो 1930 में कोई कांग्रेस का सेशन नहीं होता है, ये ध्यान दीजिएगा 1930 में, ठीक है, और इसको बहुत अच्छी तरीके से आप याद भी रख सकते हैं ना, ठीक है, जैसे देखो मैं इसको यहां से LOCK लॉक, और L से मतलब लाहौर, K से मतलब कराची, LOCK, तो ठीक है ध्यान दीजिएगा ये लॉक की स्पेलिंग बन रही है, लॉक मतलब ताला, और 1930 में ऐसा ही ताला लग गया था कांग्रेस के सेशन का, मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है, तो ये लॉक 1930 में लगा लीजिएगा, और 1931 में पहुंचते हैं, 1931 में पहुंचते हैं, और इस समय की अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल कर रहे हैं, और वल्लभ भाई पटेल जो है कांग्रेस में पहली बार ये डिक्लेयर करते हैं कि मीनिंग क्या है स्वराज का। अभी तक आपने क्या देखा था
कंप्लीट, अभी तक जनता नहीं मालूम था भाई, जनता को मालूम ही नहीं था कि आर्टिकल 19 क्या होता है, आर्टिकल 21 क्या होता है, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, तो ये स्वराज का मीनिंग क्या है. तो फर्स्ट टाइम्स दे आर गोइंग टू डिफाइन द स्वराज फॉर द पीपल्स. द फर्स्ट टाइम दैट वॉज द कांग्रेस डिफाइंड व्हाट स्वराज वुड मींस फॉर द मासेस. जनता के लिए इसका मीनिंग क्या है, इस चीज को परिभाषित किया जा रहा है. और कई इस समय रिजोल्यूशन पास किए गए, जैसा हम देखते हैं कि कांग्रेस इस तरीके से काम करती है. और ये रिजोल्यूशन क्या है उनको थोड़ा सा हम देखेंगे. तो रिजोल्यूशन में हम देखेंगे फंडामेंटल राइट्स की बात की जाएगी, ठीक है. इसके अलावा हम द मीनिंग ऑफ द जो सोसाइटी, सोसाइटी में किस तरीके से आप देखेंगे उनको, उनकी बात की जाएगी. मूल अधिकारों की बात करेंगे, ठीक है, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आगे देखने को मिलेगा. फंडामेंटल राइट्स, देखिए नेहरू रिपोर्ट में बात की गई थी वो थी आपकी डोमिनियन स्टेट. हाँ, फंडामेंटल राइट्स का थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा, लेकिन वो रिपोर्ट तो हमने ऑलरेडी खारिज कर दी गई है. और इस रिपोर्ट के द्वारा खारिज जब कर दिया गया है, तो हमें फिर से लोगों को एक कंप्लीट तरीके से बताना होगा कि ये पूर्ण स्वराज का मतलब क्या है. हम इस चीज को डिफाइन करेंगे, हमारे मूल अधिकार क्या होने चाहिए, हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या होना चाहिए, आर्टिकल 19 क्या होना चाहिए, ये जनता को पता होना चाहिए. ऐसी ऐसी चीजों के बारे में डिस्कशन किया जाएगा. एक्चुअली नेहरू रिपोर्ट में है, लेकिन नेहरू रिपोर्ट में मुख्य मुद्दा यह था कि डोमिनियन स्टेट की डिमांड कर रहे हैं. दूसरा, सेपरेट इलेक्ट्रोल को हमें रिमूवल की बात करना है, ठीक है. तो मेन मुद्दे ये दो जरूर याद रखिएगा, बाकी आप फंडामेंटल राइट्स को भी यहां रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है फंडामेंटल राइट्स. बट यहां पर मेनली लोगों के सामने यहां पर रखा जाएगा कि ऐसा ऐसा होगा. इसके अलावा हम देखेंगे इकोनॉमिकल पॉलिसीज, जो हमारा जो कह सकते हैं जो पंचवर्षीय योजना खैर बाद में आती है, लेकिन भारत को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए भी इस 1931 के कराची सेशन में डिस्कशंस किए जाएंगे, ठीक है. हाँ, मैं वही बोल रहा हूं कि नेहरू रिपोर्ट में मेन जो मुद्दा है, मैंने आपकी बात को नकार नहीं रहा हूं, मैंने आपको बोला फंडामेंटल राइट्स तो हैं, लेकिन उन फंडामेंटल राइट्स, मतलब देखो नेहरू रिपोर्ट में मेनली चीज क्या है, डोमिनियन स्टेट की मांग, डोमिनियन स्टेट की डिमांड्स जो है वो सबसे पहले हम यहां पर नेहरू रिपोर्ट में देखते हैं. हमें उन पॉइंट्स को समझना है, ठीक है. देखिए मैं एक की बात नहीं कर रहा हूं, देखो फंडामेंटल राइट्स सबसे पहले कब पूछा गया, ऐसा तो कभी नहीं बोला जाएगा, ऐसा कभी नहीं पूछेगा यूपीएससी, ध्यान दीजिएगा. बट यहां पर जो है नेहरू रिपोर्ट जो है उसको रिजेक्ट क्यों किया गया, डिमांड दैट मींस डोमिनियन स्टेट के मुद्दे पर, तो एक्चुअली मान जो मेन पॉइंट्स होगा वो डोमिनियन स्टेट्स का ही होगा सेपरेट. अब गांधी इसके इसके रिपोर्ट में दैट मींस जिन्ना लेकर आते हैं, तो जिन्ना क्यों आता है, सेपरेट इलेक्ट्रॉल की वजह से लेकर आता है. गॉट इट माय पॉइंट्स, ठीक है. हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ठीक है. 12 राइट्स थे नेहरू रिपोर्ट में. राइट्स का मतलब देखो 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 देखो, ये राइट्स वैसे वाले राइट्स नहीं थे. देखो राइट्स का मतलब, देखो मैं फिर से आपको समझा देता हूं. नेहरू रिपोर्ट की यदि हम बात करें, नेहरू रिपोर्ट जो थी वो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा तैयार किया गया एक रिपोर्ट. और इस रिपोर्ट में भाई फंडामेंटल राइट्स तो बाद में आएंगे, पहले हमें आजादी चाहिए, पहले हमें फ्रीडम चाहिए. और उसका मीनिंग क्या है हमारे लिए, हमें आप क्या करो, ठीक है, उस आजादी का डोमिनियन वाला फॉर्म दे दीजिए. दैट मींस, ठीक है, हमें आप अधिराज्य दे दीजिए, मतलब पूरा राज्य नहीं तो अधिराज्य दे दीजिए. फिर उसके बाद हम फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे ना. तो मेन मुख्य मुद्दा तो क्या है हमारा, ये वाला पॉइंट है, ठीक है. और इस अधिराज्य के अंतर्गत क्या होने चाहिए, हमारे कुछ अधिकार होने चाहिए. चलो फंडामेंटल राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच मान लीजिए भाई, ठीक है, ऐसा समझने के लिए क्या होना चाहिए, सेपरेट इलेक्ट्रॉल नहीं होना चाहिए, ठीक है साहब. तो मोटे तौर पर इसका एक मेन मुख्य बिंदु है, वो है डोमिनियन, और डोमिनियन के अंतर्गत ये वाले सारे पॉइंट्स होंगे. तो नेहरू रिपोर्ट के अंतर्गत 12 मांगे हैं, ठीक है, 12 अधिकार नहीं है, वो अधिकार एक्चुअली इसके अंतर्गत हैं, डोमिनियन के अंतर्गत. तो इसी मुद्दे पर ही तो कहानी खत्म हो जाती, इसी डोमिनियन की डिमांड को लेकर यंग लीडर कहते हैं, बोला नहीं 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 नहीं, ये अधिराज्य अधिराज नहीं चलेगा भाई, वी नीड कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज चाहिए भैया, पूर्ण स्वराज से एक इत्तू सा कम नहीं चाहिएगा, पूर्ण स्वराज चाहिए हमें. और ये पूर्ण स्वराज के लिए फिर कहानी आपको देखने को मिलेगी. इसीलिए इस नेहरू रिपोर्ट को क्या कर दिया जाता है, उसको खारिज कर दिया जाता है, बोला वी आर गोइंग टू डिनाई, ठीक है, नो एनआर रिपोर्ट को हम मना करते हैं. और इस तरीके से हम देखेंगे
तो मोटे तौर पर ऐसा कह लीजिए कि नेहरू रिपोर्ट को आपने क्या किया, खत्म किया। अब नेहरू रिपोर्ट के बाद हमें कुछ रेजोल्यूशन पास करने होंगे, अब लोगों को बताना होगा कि स्वराज का मीनिंग क्या है पहला, और इसमें कई डिमांड्स रखनी होंगी सरकार के सामने, फंडामेंटल राइट्स, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट्स, ठीक है, और दुनिया भर की चीजें आपको यहां देखने को मिलेंगी। मेरी बात समझ में आई? ठीक है, तो इस सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है, और कराची के सेशन को यहीं समाप्त करके अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, और हम आगे जाके देखेंगे आरटीसी हमारा इंतजार कर रही है, कम्युनल अवार्ड हमारा इंतजार कर रही है, ठीक है। इसके बाद हमें देखने को मिलेगा 1935 के सेशंस, ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट थोड़ा सा बचा हुआ है। वी आर जस्ट क्लोज टू द इंडिपेंडेंस एंड वी आर जस्ट क्लोज टू द एंड ऑफ दिस सेशंस, हम इस जो व्यवस्था है उसके भी अंतिम पड़ाव की ओर है। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, और इसके बाद की कहानी को हम कल डिस्कस करेंगे, और कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, और अदरवाइज इस सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर द डे, हैव अ गुड डे।